चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है आज। दिल्ली में होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, रजनी पाटिल की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी 11 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ और कांग्रेस की बैठक आज होने जा रही है, जिसमें लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आज की मीटिंग के बारे में तो बताइएगा, साथ ही क्या कौन से वो नाम है जो कांग्रेस की तरफ से आगे चल रहे हैं फिलहाल रेस में? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की तमाम जो सीटें हैं बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक हो गया है कांग्रेस ने अपने खाते नहीं खोले हैं। मंथन का दौर लगातार जारी है। देखिए आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है। 9:20 पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैस समेत तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। देखिए खास बात ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, कुछ नाम सामने आए हैं जिसके नामों को लेकर के चर्चा की जाएगी, कुछ स्क्रूटनियां की जाएगी, उसके बाद जो फाइनल नाम है वो सीईसी के बैठक में तय होंगे, और सीईसी की बैठक के बाद जो है कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। देखिए खास बात ये है, कांग्रेस भी बीजेपी की ही तरह छत्तीसगढ़ के सभी जो 11 सीटें हैं उनके नामों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि देखिए यहां कोई गठबंधन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पूरी तरह से कांग्रेस जो है सिंगल पैनल से ही वो चुनावी मैदान पे उतरेगी। हालांकि कुछ नाम निकल के सामने आ रहे हैं, जैसे रायपुर से है सुशील आनंद शुक्ला जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो संचार प्रमुख है, इसके अलावा पूर्व विधायक है विकास उपाध्याय, उनका भी नाम इस वक्त चर्चाओं पे है। उसी तरीके से यदि राजनांदगांव की हम बात करें तो राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश खेल के नाम सामने आ रहे हैं, और भी नाम है जिनके चर्चाओं का दौर है। पीसीसी चीफ है दीपक बैज, उनका नाम बस्तर से आ रहा है। तो इस तरह कई नाम है जो चर्चाओं पे हैं, लेकिन वो तो सीईसी की बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किसके नाम फाइनल होते हैं। जी बिल्कुल राजेश, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और उसके बाद किस फॉर्मूले पर आखिर कांग्रेस अपने उम्मीदवार चुनती है, ये रणनीति भी सामने आ जाएगी। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।